So, hey everyone! Welcome back. Welcome to another exciting video on Rust series. And in this video, we are going to see result that how we can make recoverable errors bana sakte using the result. So, with that, let's start with the video. So, here we are on the 9.2 recoverable errors with the result. So, most errors aren't serious enough to require the program to stop entirely. Sometimes, when a function fails, it's for a reason that you can easily interpret and respond to. For example, if you try to open a file.

सो रिजल्ट का मतलब है या तो रिजल्ट ओके हो सकता है मतलब कि सक्सेसफुल हो सकता है या फिर वो एक एरर हो सकता है द टी एंड ई आर जेनरिक टाइप्स जो हम चैप्टर नंबर टेन में डिस्कस करेंगे अब तो मुझे याद ही हो गया दट जेनरिक्स चैप्टर नंबर टेन में आएंगे वॉट यू नीड टू नो राइट नाउ इज आर टी रिप्रेजेंट टाइप ऑफ वैल्यू दैट विल बी रिटर्न एंड ई इज़ द एरर जो रिटर्न होगा अगर जस्ट इन केस एर हुआ सो ये क्या है ये बेसिकली जेनरिक्स हैं राइट बिकॉज रिजल्ट हैज दीज जेनरिक पैरामीटर्स वी कैन यूज़ रिजल्ट एंड द फंक्शन डेफिनेशन ऑन मेनी डिफरेंट सिचुएशन वे आर द सक्सेस वैल्यू एंड द एर वैल्यू वी वॉन्ट टू रिटर्न मेट डिफर नाइस तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं तो लेट्स डू वन थिंग हम इनके एग्जाम्पल से नहीं जाते हैं ठीक है हम ना खुद के एक एग्जाम्पल देख लेते हैं फिर हम इनको पढ़ेंगे लेट्स से दैट हम क्या करते हैं हम एक फंक्शन बनाते हैं डिवाइड ठीक है एक फंक्शन बना लेते हैं डिवाइड तो ये फंक्शन डिवाइड क्या करेगा बेसिकली इट विल टेक एक्स ठीक है तो एक्स एज आ थर्टी टू एंड वाई लेगा एज आ थर्टी टू एंड ये रिटर्न भी क्या करेगा रिटर्न भी करेगा आई थर्टी टू एंड हम रिटर्न कर देंगे एक्स डिवाइड y। वाई सो दिस इज़ माय प्यारा सा डिवाइड का फंक्शन तो इसको यूज करके देखें सो लेट आर इक्वल्स हम इसको बोलेंगे डिवाइड एक काम करो फोर को डिवाइड करो टू से एंड फिर प्रिंट इन कर दो दैट दैट आर एस जो भी आर की वैल्यू है तो आर बस मैंने एक वेरिएबल बनाया सो यू कैन सी दैट आई एम गेटिंग टू विच इज़ फाइन अच्छा वॉट इफ़ अगर मैं यहाँ पर जीरो डाल दूँ वॉट इफ मैं भाई की वैल्यू जीरो डाल दूँ इट्स बेसिकली लाइक फोर डिवाइड बाई जीरो सो यू कैन सी वॉट हैपन कोड पैनिक हो गया कैन नॉट डिवाइड बाई ज़ीरो अटैम्प टू डिवाइड बाई ज़ीरो कोड पैनिक हो गया बट एक्चुअली में अगर आप एक कैलकुलेटर बना रहे हो एंड अगर यूजर जीरो एंटर करता है डू यू वॉन्ट द प्रोग्राम टू क्रैश मे बी नॉट आप मे बी ये चाहते हो कि अगर प्रोग्राम क्रैश ना हो मैं यूज़र को बोलूँगा भाई जीरो से नहीं डिवाइड कर सकते दोबारा ट्राई करो है ना ज़ीरो से डिवाइड नहीं करना है तो ये क्या है ये एक अनरिकवरेबल एरर है प्रोग्राम क्रैश हो गया मैं इसे रिकवर नहीं कर पाया तो इसको हम रिकवरेबल बनाते हैं सो इंस्टेड ऑफ़ रिटर्निंग अ रिज़ल्ट आई थर्टी टू हम क्या कर सकते हैं हमने एक रिज़ल्ट रिटर्न करेंगे हम एक रिज़ल्ट रिटर्न करेंगे जिसका सक्सेस अगर वो सक्सेस होता है तो हम एक आई थर्टी टू रिटर्न कर देंगे ठीक है अगर सक्सेस होता है तो आई थर्टी टू रिटर्न कर देंगे और अगर ये प्रोग्राम फेल हो जाता है तो लेट से हमने एक बुलियन रिटर्न कर देंगे फॉल्स ठीक है अगर ये सक्सेसफुल होता है तो हम एक रिजल्ट रिटर्न करेंगे जिसकी ओके वाली होगी आई थर्टी टू अगर हम फेल करते हैं तो एक काम करते हैं लेट्स टेक अ स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग ले लेते हैं कि हमने एक स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे फॉर द फेलियर केस तो याद है ये वॉट वर सिंग लेट मीन्स जिस रीअरेंज दी स्क्रीन्स सो दे वर सिंग दैट रिजल्ट के ऊपर ना एक टी होता है एक ई e होता है टी होता है ओके okay के लिए ई e होता है एरर के लिए सो so मैंने टी की वैल्यू की क्या दी आई थर्टी टू एंड एरर के लिए क्या दिया स्ट्रिंग अब हम देखो क्या करेंगे हम यहाँ पे एक चेक लगा लेते हैं कि अगर वाई की वैल्यू अगर वाई की वैल्यू जीरो है तो इस केस में मैं ना एक रिटर्न करूंगा एक एरर एक एरर वेरियंट रिटर्न करूंगा जिसके अंदर हम एक स्ट्रिंग डाल देते हैं सो स्ट्रिंग डॉट फ्रॉम ठीक है स्ट्रिंग डॉट फ्रॉम, एंड इसमें डाल देते हैं दैट प्लीज़ डू नॉट डिवाइड बाय जीरो ठीक है एंड एंड अगर ऐसा नहीं होता राइट ओके सो हेयर आई एम मिसिंग द पैरन्थीज तो पैरन्थीसिस लगा देते हैं सो so, अगर ऐसा नहीं होता अगर हम बाहर आ जाते हैं तो हम क्या करेंगे हम एक ओके वेरिएंट रिटर्न करेंगे ओके okay. जिसकी वैल्यू क्या होगी एक्स डिवाइडेड बाय वाई सो नाउ इफ़ यू विल रीड दिस कोड ये क्या कह रहा है कि देखो मेरे को एक रिजल्ट रिटर्न करना है रिजल्ट के दो वेरियंट्स होते हैं या तो एरर वेरियंट हो सकता है या ओके okay वेरियंट हो सकता है अगर वाई की वैल्यू जीरो है ना तो रिटर्न कर दो एरर कौन सा एरर एरर का टाइप क्या स्ट्रिंग तो मैंने इसके अंदर एक स्ट्रिंग डाल दिया अगर मैं यहाँ पर एरर का टाइप एक बुलियन दे, दे देता तो मुझे यहाँ पर बुलियन डालना पड़ता ट्रू या फ़ॉल्स बट ठीक है स्ट्रिंग मेक्स मोर सेंस फिर मैंने ओके डाल दिया जिसके अंदर एक आई थर्टी टू डाल दिया सो so, ये ओके और एरर मैं ऐसे ही क्यों यूज़ कर पा रहा हूँ बिकॉज दे आर इंक्लूडेड इन द प्रील्यूड ओके नहीं तो अगर ये इंक्लूडेड ना होता तो मेरे को ये इस तरह से करना पड़ता कि भाई रिजल्ट के ऊपर एरर को कॉल करो और रिजल्ट के ऊपर ओके okay को कॉल करो विच इज़ ऑल्सो फाइन बट वो डायरेक्टली हमारे स्कोप में है तो मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ अब देखो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या इन्फर हो रही है एक रिजल्ट इन्फर हो रही है जिसकी आर थर्टी टू ओके एंड ये है स्ट्रिंग ठीक है तो ये है इन्फर वैल्यू अब इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं पहला तरीका क्या है पहला तरीका, पहला तरीका है दैट मैं ना इसको बोलूँगा डॉट अनरैप अब अनरैप क्या करता है अनरा बेसिकली बोलता है कि अगर तो इसकी वैल्यू ओके okay आती है तो ओके okay रिटर्न कर दो तो, जो भी ओके okay यहाँ पे रिटर्न करेगा लेकिन अगर ये एरर वेरिएंट रिटर्न करता है तो पैनिक कर जाओ सो लेट मी जस्ट डू अ प्रिंट है मैंने गलती से वो स्टेटमेंट हटा दिया सो so, आर की वैल्यू को हम यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं ठीक है सो वॉट दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज सही कि यार अनराप का मतलब है, ओके okay वेरिएंट की वैल्यू मेरे को रिटर्न कर दो एंड अगर वो एरर वेरिएंट रिटर्न करता है तो पैनिक कर जाओ विच इज़ काइंड ऑफ द सेम थिंग मैंने फिर उसको ही बना दिया बिकॉज अनरैप क्रैश करेगा फिर काम करते अनरैप और वो कर लेते हैं अनरैप करो नहीं तो नेगेटिव वन रिटर्न कर दो तो ये क्या करेगा अनरैप और अगर ओके आता है तो रिटर्न कर जाएगा अगर एरर वेरिएंट आएगा तो हमें नेगेटिव वन रिटर्न कर देगा तो रन करें देखो प्रोग्राम क्रैश नहीं हुआ आई गॉट नेगेटिव वन है ना या फिर आप इसमें क्लोजर भी पास कर सकते हो एंड बेस्ट क्या है बेस्ट क्या आप यहाँ पर मैच का यूज़ करो ठीक है आप यहाँ पर क्या करो मैच लगाओ ठीक है मैच एंड मैच के अंदर क्या हो सकता है देखो अब इसके कितने पॉसिबल वेरियंट्स हो सकते हैं दो ओके okay या एरर सो so, अगर मैं यहाँ पर यू कैन सी दी एरर कि वो बोल रहा है यार भाई आपने ओके okay को और एरर को हैंडल नहीं किया तो मैंने बोला यार अगर ओके okay आता है तो तुमको कुछ नंबर मिलेगा एंड उस नंबर को ना तुम एज इट इज़ रिटर्न कर दो है ना और अगर तुम्हें एरर वेरिएंट मिलता है एंड जो भी तुम्हें एरर मिलता है तो एक काम करो इस पर्टिकुलर सिनारियो में ना पहले तो प्रिंट इन कर दो दैट एरर जो भी एरर है सो एरर एंड यहाँ पर तुम ई को प्रिंट कर दो फिर तुम क्या कर सकते हो मे बी इन अ लूप यू कैन रीड ट्राई हम कंटिन्यू कर सकते हैं बट अभी के लिए हम एक काम करते हैं हम यहाँ पर रिटर्न कर देते हैं नेगेटिव वन ठीक है एंड यहाँ पे डोंट फोगेट टू पुट अ सेमी कॉलन सो नाउ इफ आई रन दिस प्रोग्राम यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग इज दैट मेरा पहले एक कस्टम एरर आया दट आर की वैल्यू नेगेटिव वन आया मैं इस पूरी चीज़ को क्या कर सकता हूँ मैं क्लूप में भी डाल सकता हूँ है ना मैं यूज़र से वापस रीट्राई करता हूँ इनपुट तो ये क्या एक रिकवरेबल एरर है यहाँ पे मेरे पास कंट्रोल है दैट ओके पे क्या करना है एरर पे क्या करना है मैं यहाँ से यूज़र को रीट्राई करवा सकता हूँ कुछ भी करवा सकता हूँ प्रोग्राम क्रैश करना है नहीं करना है मेरी मर्जी मेरे को प्रोग्राम क्रैश करना है मैं यहाँ पर पैनिक कर देता हूँ ठीक है मतलब इट डजन मेक एनी सेंस बट ठीक है तो मैंने यहाँ पर क्या किया मैंने ना इसको वापस से मैंने इसको वापस से डॉट टू एस टी आर कर लेते हैं तो मैं यहाँ पे पैनिक कर देता हूँ राइट तो इससे क्या होगा बेसिकली मैंने प्रोग्राम को वापस क्रैश कर दिया तो पैनिक तो क्रैश करेगा लेकिन अगर आप पैनिक नहीं लगाओगे तो इट्स अ रिकवरेबल एरर ठीक है तो वो बोल रहा है कुछ तो रिटर्न करो नेगेटिव वन रिटर्न कर लो तो बेसिकली आपको यहाँ पर करना है कि आपको यहाँ पर रिट्राई कर सकते हो कुछ भी कर सकते हो इट्स इन योर हैंड ठीक है अब इनके एग्जाम्पल को समझते हैं अब शायद ये एग्जाम्पल अच्छे समझ आएगी देखो यहाँ पर वॉट दे आर सेइंग इज ये ना एक फाइल को ओपन करने का ट्राई कर रहे हैं कैसे ओपन करते हैं पहले तो फाइल मॉड्यूल को स्कोप में लाओ ठीक है तो इसको मैं हटा रहा हूँ सो so, ये हमें समझ आ चुका है दैट एरर एंड ये होते क्या सो so, एक बहुत ही प्यारा सा सिंपल छोटा सा कोड तो so, ये आया फाइल ठीक है फाइल हैंडलिंग के लिए तो so, मैंने इस चीज़ को कॉपी किया और मैंने यहाँ पे कर दिया पेस्ट तो so, ये लाइन क्या कर रही है फ़ाइल को ओपन करने का ट्राई कर रही है एंड अगर आप ध्यान से देखोगे फाइल को ओपन करने पर हमें एक रिज़ल्ट मिलता है जिसमें अगर वो ओके okay होता है तो हमें एक फ़ाइल का ऑब्जेक्ट मिलेगा एक फाइल टाइप मिलेगा नहीं तो हमें एक एरर मिलेगा ठीक है सो दिस इज़ फाइन ओके अब देखो हम क्या कर सकते हैं हम ग्रीटिंग फाइल को ये क्या कर रहे हैं ग्रीटिंग फाइल इसको ग्रीटिंग फाइल रिजल्ट नाम दिया इन्होंने सो ग्रीटिंग फाइल रिजल्ट अब हम क्या कर सकते हैं हम एक वेरिएबल बनाएंगे फाइल ठीक है हम एक फाइल बनाएंगे अब देखो ये जो फाइल है ये हमें कैसे मिलेगी हम ना मैच पैटर्न का यूज़ करेंगे दैट इस पर्टिकुलर रिजल्ट के ऊपर मैच करो ठीक है अब इसके फिर से एक ओके okay वेरिएंट हो सकता है एरर वेरिएंट हो सकता है भाई देखो अगर तो इसका वेरिएंट ओके okay है तो एज इट इज़ फाइल को कर दो रिटर्न ठीक है लेकिन अगर वो एक एरर है तो हम ना पैनिक कर देते हैं एक काम करते हैं अगर वो एक एरर वेरिएंट है तो उसको ना पैनिक कर देते हैं तो टेक्निकली हमने किया क्या कि रिकवरेबल में भी हमने ना उसको वापस पैनिक ही कर दिया ठीक है सो अगर हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे आई नो फाइल नहीं है तो मेरे पास पैनिक हो गया एंड पैनिक में क्या आया नो सच फाइल अगर आप यहाँ पर रीड करोगे तो पैनिक का कोड क्या आया दैट नॉट फाउंड क्योंकि ऐसी कोई फाइल यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करती नाइस ठीक है तो प्रोग्राम को हमने वापस क्रैश ही कर दिया विच डजेंट मेक एनी सेंस अब हम क्या कर सकते हैं देखो एरर के अंदर भी ना हम वापस एरर के ऊपर एक मैच लगा देते हैं अब एरर को हैंडल करते हैं सो व्हाट आई विल डू इज़ मैं यहाँ पर ना वापस से क्या कर सकता हूँ मैं वापस से यहाँ पर मैच करता हूँ ठीक है मैच किसके ऊपर ये जो एरर है ना इसके काइंड के ऊपर कि किस तरह का काइंड है अब देखो एरर के भी मल्टीपल काइंड हो सकते हैं देखो किस कितने तरह के एरर्स हो सकते हैं हमारे पास एरर हो सकता है एड्रेस इन यूज दिस 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 तो हमारे पास बहुत तरह के काइंड है तो मैं इसको बोलूँगा दैट मुइको ना एक नॉट फाउंड का एरर चाहिए मेरे को एक नॉट फाउंड वाले एरर को हैंडल करना है ठीक है अगर एरर नॉट फाउंड आता है ठीक है तो इस पर्टिकुलर सिनारीओ में हम कुछ करेंगे एल्स बिकॉज हमें सारे हैंडल करने हैं एल्स मतलब कि डिफॉल्ट केस में हम पैनिक कर देते हैं भाई कुछ तो ऐसा एरर हुआ जो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है ठीक है कुछ तो ऐसा एरर हुआ जो मेरे को समझ नहीं आ रहा है तो जस्ट लाइक वी हैड दस ठीक है तो हम यहाँ पे काम करते हैं लेट जस्ट गिव दैट समथिंग ट रोंग एंड यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं वी कैन जस्ट से किया तुम तो एरर को आज प्रिंट कर दो ठीक है इन द डिब मोड दन चलो तो मतलब मैंने यहाँ पर किया क्या आईडली ठीक है यहाँ पे हम इफेक्टिवली क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई अगर तो एरर हो जाता है तो ठीक है लेकिन अगर ठीक है अगर यहाँ पर नॉट फाउंड का एरर तो हमें क्या करना है तो एक काम करते हैं ना फाइल को बना देते हैं तो एक काम करो फाइल को क्रिएट कर दो तो फाइल को क्रिएट कैसे कर सकते हैं भाई फाइल को क्रिएट कर दो ठीक है so सो यहाँ पर हम बोलेंगे दोबारा से मैच लगाना पड़ेगा बिकॉज फाइल क्रिएट भी एक रिज़ल्ट रिटर्न करता है मैच फाइल क्रिएट करो आ, कौन सी फाइल क्रिएट करनी है हेलो डॉट टी फाइल अब ये क्या कर सकता ठीक है ये मैच के अंदर भी देखो आपके पास एक ओके OK आएगा विल गिव यू दी फाइल एंड आप इस फाइल को रिटर्न कर दो एंड अगर ये एक एरर रिटर्न करता है अब तो भाई तुम फाइल क्रिएट करने में भी आ, फेल हो गए तो उसको भी तुम बस प्रिंट कर दो एंड एंड द प्रोग्राम सो देखो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं बहुत ज़्यादा नेस्टिंग होगी देखो हमने फर्स्ट लाइन पर क्या किया इसको ना लेट्स ओपन दिस थिंग इन विम ठीक है सो विम एंड उसके बाद कौन सी फाइल थी सोर्स एंड मेन ओके सो लेट्स सी दैट हम यहाँ पर आइडियली कर क्या रहे हैं सो जूम इन जूम इन जूम इन जूम इन सो आई थिंक द कोड इज़ क्लियर देखो हमने बोला मैच करो ग्रीटिंग फाइल रिजल्ट को ग्रीटिंग फाइल रिजल्ट बेसिकली क्या है हम फाइल को ओपन कर रहे हैं विच रिटर्न अ रिजल्ट अब बिकॉज एक रिजल्ट है हमें पता है रिजल्ट या तो ओके okay होगा जिस केस में हमें फाइल मिलेगी फाइल को रिटर्न कर दो ग्रीटिंग फाइल की वाली हो जाएगी फाइल के इक्वल अगर एरर आता है तो एरर के काइंड के ऊपर इस इस एरर के काइंड के ऊपर मैच करो एरर के क्या काइंड हो सकते हैं बहुत सारे काइंड हो सकते हैं हमने सिर्फ एक एरर काइंड को हमने कंसिड्रेशन में लिया बाकी ये तो डिफॉल्ट है ये तो मैच ऑल है है ना तो अगर वो एरर का काइंड नॉट फाउंड निकलता है तो इस केस में हम क्या करेंगे फाइल को क्रिएट करेंगे अब अगर हम फाइल को क्रिएट कर रहे हैं वो फिर से एक रिजल्ट रिटर्न करेगा तो मैच लगा दिया अब ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है फाइल डॉट क्रिएट ये या तो ओके रिटर्न करेगा फाइल रिटर्न कर दो अगर अब क्रिएटिंग में भी एरर आ गया तो बस चुपचाप पैनिक कर दो और प्रोग्राम को क्रैश कर दो दिस इज़ वॉट वी आर डूंग तो एक काम करते हैं लेट्स गो भैक ठीक है क्या आपको यहाँ पर कोई फाइल दिख रही है क्या आपको यहाँ पर कोई फाइल दिख रही है ठीक है हेलो डॉट टी एक्ससी नहीं है तो एक काम करते हैं लेट्स रन दिस प्रोग्राम सो इसको आइडली करना क्या चाहिए हेलो डॉट टी एक्सी फाइल बना देना चाहिए अब दोबारा रन करूँगा तो वो इसी को रीड करेगा ठीक है तो दिस प्रोग्राम इज डूइंग दिस थिंग इफेक्टिवली नाइस सो लेट्स डू थिंग लेट्स डू राइट एंड क्विट ओके सो वी हैव नॉट चेंजड एनी थिंग एंड दिस इज कूल ओके okay. सो so, ये था हमारा रिकवरेबल एरर्स ठीक है ऑल्टरनेटिव टू यूजिंग मैच रिजल्ट तो हाँ यहाँ पर एक और चीज़ है यहाँ पर यह दिखा रहे हैं आप अनरैप कर सकते हो अनरैप और एल्स कर सकते हो यू कैन पास अ क्लोजर फंक्शन अब प्रॉब्लम ये है कि हमने ना अभी तक क्लोजर फंक्शन के बारे में पढ़ा नहीं है सो so, इस चीज़ को हम स्किप कर सकते हैं बिकॉज वी हैव ट्रेड अबाउट क्लोजर फंक्शन ठीक है अनरैप मैंने बताया लेकिन अनराप फिर पैनिक करेगा तो ये आपको रीड करना है ठीक है एक डॉट एक्सपेक्ट ये तो आपको पता है ना आप क्या कर सकते हो डॉट एक्सपेक्ट भी कर सकते हो ठीक है डॉट एक्सपेक्ट क्या करेगा बेसिकली आप इसको ये बोल रहे हो कि एवरी थिंग विल गो राइट ठीक है सिम एवरी थिंग विल गो राइट बट जस्ट इन केस एरर आता है तो आपके प्रोग्राम को क्रैश कर देगा लेकिन एक्सपेक्ट के अंदर वॉट यू कैन डू यू कैन एक्चुअली प्रोवाइड अ एरर मैसेज आप एक अपना कस्टम एरर मैसेज भी डाल सकते हो कि फ़ाइल डॉट ओपन हेलो डॉट टी एक्सपेक्ट करो एंड अगर जस्ट इन केस ये एरर आया तो ये प्रिंट कर देना ठीक है प्रोपेगेटिंग एरर्स नाउ दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है प्रोपेगेटिंग एरर्स का क्या मतलब होता है लेट्स से हमने क्या किया हमने ना इसका एक फंक्शन बनाना है हमें ना इसका एक फंक्शन बनाना है सो रीड यूज़र नेम फ्रॉम अ फाइल ठीक है तो देखो हमने एक फंक्शन बनाया रीड यूज़र नेम फ्रॉम अ फाइल इसको यहीं पे समझ लो बहुत इजी है हम क्या कर रहे हैं हम पहले फाइल को ना ओपन कर रहे हैं जो कि एक रिज़ल्ट रिटर्न करेगा फिर अब बिकॉज एक रिजल्ट है हमने क्या किया भाई अगर तो ओके okay है तो फाइल को रिटर्न करो और आगे बढ़ो अगर एरर है तो यहीं से रिटर्न कर जाओ एरर अब हमने यूजर नेम को पढ़ा अब यूजर नेम अगर हमने पढ़ लिया तो अगर तो ओके आया तो यूजर नेम आ जाएगा अगर एरर आया तो वापस एरर को रिटर्न कर जाओ डू यू सी दैट हमें क्या करना पड़ रहा है अगर हमारे पास सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है ठीक है इस चीज को समझो अगर हमारे पास सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है एक फंक्शन के अंदर हर एक सीक्वेंस एक रिजल्ट रिटर्न कर रहा है तो हमें करना है कि अगर ओके okay आ रहा है तो प्रोग्राम को चलते रखना हो अगर एरर आ रहा है तो वापस जिसने भी उसको कॉल किया उसको रिटर्न कर दो एरर इस पर्टिकुलर सिनारियो में हम क्या कर सकते हैं इस कोड को सिंप्लीफाई करने के लिए हम अगर नीचे जाते हैं हम यहाँ पर सिंपल एक क्वेश्चन मार्क लगा देंगे इस क्वेश्चन मार्क का क्या मीनिंग है इसका मीनिंग है भाई एक काम करो तुम इस यूज़र नेम को लो देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिख रहा है यूजर नेम फाइल फाइल ओपन हेलो डॉट टी एक्स टी अब ये फाइल ओपन आपको पता था एक रिजल्ट रिटर्न करता है अगर तो इसका वेरियंट आया ओके okay, तो उसका रिजल्ट हमें यहाँ पर मिल जाएगा ओके का okay. लेकिन अगर इसका वेरियंट आया एरर तो जो भी इस फंक्शन को कॉल कर रहा है उसको ये एरर एज इट इज रिटर्न हो जाएगा दी क्वेश्चन मार्क प्लेस आफ्टर द रिजल्ट वैल्यू इज डिफाइंड टू वर्क ऑलमोस्ट द सेम वे एज मैच एक्सप्रेशन डिफाइंड इन द रिजल्ट वैल्यूज नाइन सिक्स इफ द वैल्यू ऑफ अर रिजल्ट इज एन ओके द वैल्यूज इट ओके विल भी रिटर्न फ्रॉम द एक्सप्रेशन एंड द प्रोग्राम विल कॉन्टिन्यू If the value is an error, the error will be returned from the whole function as we had used the return keyword. So इतना कुछ करने से अच्छा है सो वॉट दे आर सिंग इज़ देखो आप पहले उसको एक फाइल का रिजल्ट बनाओगे फिर आप उसको मैच करोगे ओके OK आएगा तो रिटर्न करोगे एरर आएगा तो जिसने भी उसको कॉल किया उसको वापस रिटर्न करोगे इस पूरी चीज़ को करने से अच्छा है बस यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लगा दो जो आइडियली इंटरनली यही चीज़ करती है ठीक है एरर प्रोपिगेटिंग सो दिस इज वॉट दे आर सिंग सो आई वुड हाईली अर्ज यू टू रीड दिस ठीक है सिमिलरली गोज हेर सो फाइल ओपन की क्वेश्चन मार्क अगर एरर आता तो रिटर्न हो जाएगा नहीं तो आगे बढ़ेगा रीड फ्रॉम सिंग म्यूट एंड फिर क्वेश्चन मार्क सो जस्ट सी दैट वो ही सेम कोड हमने सिर्फ थ्री लाइन्स में कंप्लीट किया ओके सो दिस इज वन थिंग दैट यू हैव टू कीप एन माइंड ओके सो यहाँ पर वॉट दे आर डूइंग इज दे आर बेसिकली रिटर्निंग द रिजल्ट ओनली सो दिस इज ऑल्सो फाइन वेर आर देशन मार्क ऑपरेटर कैन बी यूज द क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर कैन ओनली बी यूज इन साइड द फंक्शंस हुज रिटर्न टाइप इज कम्पेटेबल विद द वैल्यू

ठीक है तो ऐसे नहीं होता इसका रिटर्न टाइप एक रिजल्ट होगा तभी ये काम करेगा सो दिस इज वन थिंग ठीक है सो आप इन चीजों को रीड कर सकते हो ठीक है यहां पर वन मोर चीज सी यहां पे नाउ दे आर डूइंग हम मेन से भी रिजल्ट को रिटर्न कर सकते हैं ठीक है अभी डायनामिक के ये बाद में बात करेंगे सो so इससे भी हम रिटर्न कर सकते हैं तो यहाँ पे नाउ दे कैन पुट अ क्वेश्चन मार्क सो दिस इज वॉट दियर सिंह ठीक है ये एक ट्रेड ऑब्जेक्ट है जिसमें हम बात करेंगे चैप्टर नंबर सेवेंटीन के अंदर बट अभी के लिए समझो दैट बॉक्स डायनामिक एरर के एक बेसिकली एनी काइंड ऑफ एरर एनी काइंड ऑफ एरर क्वेश्चन मार्क अब हम यूज़ कर सकते हैं बिकॉज अब इसका रिटर्न टाइप एक रिजल्ट है सो लकीली मेन कैन ऑल्सो रिटर्न अ रिजल्ट ठीक है लकीली मेन से भी आप रिजल्ट को रिटर्न कर सकते हो सो दीज आर बेसिकली यू आर रिकवरेबलर दैट हम रिकवर कैसे कर सकते हैं ठीक है अब क्वेश्चन आएगा कब पैनिक करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए है ना कब हमें पैनिक यूज करना चाहिए कब हमें रिजल्ट यूज करना चाहिए सो so, देखो यार सो टू पैनिक और नॉट टू पैनिक ठीक है सो हाउ डू यू डिसाइड दैट वेन यू शुड कॉल पैनिक एंड वैन यू शुड कॉल रिजल्ट वेन द कोड पैनिक्स नंबर वन देयर इज नो वे टू रिकवर यू शुड कॉल पैनिक फॉर एनी एयर सिचुएशन

उसके पास एक ऑप्शन होनी चाहिए कि रिकवर करना है या नहीं उसको एक ऑप्शन देना तो देन यू शूड यूज़ अ रिजल्ट द कॉलिंग कोड कुड चूज़ टू अटेम्प्ट टू रिकवर इन इट्स वे दैट्स अप्रोप्रिएट फॉर दिस सिचुएशन और कुड डिसाइड द एरर इन दैट इज़ अनरिकवरेबल सो बेसिकली इफ यू वॉन्ट टू गिव द कंट्रोल टू द कॉलिंग कोड तो उस केस में यू कैन यूज रिजल्ट अगर आप पैनिक करोगे इट विल जस्ट क्रैश द प्रोग्राम ओके तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर विच यू कैन सी ठीक है अब जैसे आई पी एड्रेस है जब आप आई पी एड्रेस के ऊपर पार्स करते हो दिस रिजल्ट दिस रिटर्न रिजल्ट तो यहाँ पे एक्सपेक्ट किया अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ एक्सपेक्ट करने से अगर ये एरर रिटर्न करेगा इट विल क्रैश अगर ये नहीं रिटर्न करेगा तो चलेगा तो पार्स फंक्शन क्या कर रहा है रिजल्ट रिटर्न कर रहा है एंड आई कैन डिसाइड कि मुझे प्रोग्राम को क्रैश करना है या मुझे रिट्राई करना है सो दैट वे ओके गाइडलाइंस It is advisable to have your code panics when it's possible that your code could end up in a bad state. In this context, a bad state when someone assumes guarantees contract or invariants has been broken such as when invalid values, contradictory values or missing values have been passed to the code. The bad state is something that is unexpected and as opposed to something that will likely happen occasionally.

अगर वैल्यू वन से कम है और हंड्रेड ज़्यादा है तो आप यहाँ पर पैनिक कर सकते हो है ना द गेस वैल्यू मस्ट बी बिटवीन वन टू हंड्रेड तो यहाँ पे दिस इज द पैनिक तो अगर आप एक न्यू गेस बना रहे हो दिस इज दिस कॉल इज कॉलिंग द पैनिक विल क्रैश द प्रोग्राम एंड यहाँ पर एक वैल्यू फंक्शन बनाया इस पर्टिकुलर चीज़ में क्या होगा कि अगर यूज़र कोई भी ऐसी वैल्यू को रिटर्न करता है लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल ही ही गैसेज़ मे बी वन हंड एंड वन तो उस केस में पैनिक कर जाएगा बट इफ़ यू वॉन्ट कि यूज़र रीट्राई कर पाए तो आप एक रिजल्ट रिटर्न कर सकते हो एंड इफ़ रिजल्ट इज एरर यू कैन रिट्राई आप लूप में वापस कंटिन्यू कर सकते हो ओके सो दिस इज़ बेसिकली हाउ यू डू द एरर हैंडलिंग इन रस दैट हाउ यू कैन डू एरर हैंडलिंग पैनिक क्या करता है रिजल्ट क्या करता है रिकवरेबल एरर्स क्या होते हैं अनरिकवरेबल एरर्स क्या होते हैं बाकी एक पर्सनल ओपिनियन देता हूँ जैसे जैसे हम रस्ट में काम करेंगे ना जैसे से हम रस्ट में प्रोग्राम्स देखते हैं हमें समझ आता है दट कहाँ पर पैनिक होना चाहिए कहाँ पर रिज़ल्ट होना चाहिए तो इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस आई वुड से सो एज़ यू गेट मोर एंड मोर एक्सपीरियंसड यू विल गेट दैट वेन टू यूज़ पैनिक एंड वेन टू यूज़ रिजल्ट ओके विद दैट लेट्स एंड द वीडियो एंड दिस वॉज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर नाइन दैट इज़ एरर्स पैनिक्स एंड रिज़ल्ट सो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर